वो शहादत मौत क्या है, जिंदगी की जीत है। वो शहादत मौत क्या है, जिंदगी की जीत है। आप आदेश कर देना। माँ सरस्वती को प्रणाम, मंच को नमन करती हूँ और मेरे समक्ष उपस्थित मेरे अग्रज, मेरे अनुज और मेरे बहुत सारे मित्र, आप सबको प्रणाम करती हूँ। और जैसा कि सर्वेश जी ने कहा कि लखनऊ में ही ऐसा विशुद्ध कवि सम्मेलन हो सकता है और ऐसा ही मेरा भी सोचना है, इसीलिए जब कभी यहाँ पर आती हूँ तो हमेशा सोचती हूँ कि कुछ ऐसा बेहतर प्रस्तुत कर सकूँ जिससे मैं इस मंच की और इस शहर की और साहित्य की गरिमा रख सकूँ। तो प्रयत्न करूँगी कि आप सबके बीच कुछ ऐसा पढ़ूँ। बहुत अच्छा। उससे पहले मैं नीरज जी की स्मृतियों को नमन करती हूँ और एक बात और कहना चाहती हूँ। हमारे हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े साक्षर हैं शुभम अंबर जी, वो कहते हैं कि स्वप्निल शत प्रतिशत होते हैं, कभी खुशबू के खत होते हैं। तो आपने अभी जितने भी कवियों को सुना वो सभी खुशबुओं के खत थे और आप सभी लोग बहुत मन से उनको सुन रहे थे। उन्होंने भी अपना शत प्रतिशत यहाँ इस मंच से दिया है, तो मैं भी यही प्रयत्न करती हूँ और अपनी खुशबुओं के खत को यहाँ से बांचती हूँ। सुनिए। कि दर्द का आकलन नहीं होता, दर्द का आकलन नहीं होता, इसमें कोई चयन नहीं होता, प्यार में डूबना ही पड़ता है, प्यार में आचुमन नहीं होता, प्यार में आचुमन नहीं होता। और क्यों नहीं होता आचमन, सुनिए। हाँ। कि जो मिला ही नहीं वो खोता क्या, कोई बंजर जमी पे बोता क्या, प्यार है तो है ये जहां कायम, प्यार होता नहीं तो होता क्या, प्यार होता नहीं तो होता क्या। नीरज जी प्रेम और दर्शन के कवि कहलाए और गीत की उत्पत्ति कैसे होती है एक मुक्तक के माध्यम से कहना चाहती हूँ। स्वागत। कि आंसुओं में जो बह नहीं पाए, दिल के अंदर भी रह नहीं पाए, दर्द वो लिख दिए हैं गीतों में, हम किसी से जो कहे नहीं पाए, हम जो कहे नहीं पाए। और चूंकि समय की सीमा है, सभी ने ये कहा है, तो मैं भी अपने काव्य पाठ को बहुत कॉम्पैक्ट रखती हूँ। और हाल में ही 15 अगस्त गुजरा है, मेरा मन है कि प्रेम का जो सर्वश्रेष्ठ रूप होता है वो देशभक्ति का रूप होता है। मैं गजल के दो शेर आप सबके बीच पढ़ती हूँ, बस एक छोटा सा गीत आप सबके बीच। स्वागत है डॉक्टर। कि ब्याहता है जोश की जो शौर्य से परिणीत है, ब्याहता है जोश की जो शौर्य से परिणीत है, वो शहादत मौत क्या है, जिंदगी की जीत है, वो शहादत मौत क्या है, जिंदगी की जीत है।
मन में गीता के कथन और तन में फौलादी जुनू, मन में गीता के कथन और तन में फौलादी जुनू, फिर विजय हर जंग में अपनी सदा निर्णीत है, फिर विजय हर जंग में अपनी सदा निर्णीत है, ब्याहता है जोश की जो शौर्य से परिणीत है।